बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो महाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सूद के बगैर, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। बैंक अलफलाक की जानब से महाना किस्तों के ऊपर मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। अटलस होंडा की मोटरसाइकिल आप सिर्फ 4800 रुपया महाना किस्त अदा करके हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा यह मोटरसाइकिल लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है। तमाम दर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ्राहम करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलों की कीमतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं डॉलर महंगा होने की वजह से। तो अभी बैंक अलफलाज से अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों अगर आप एक चीज नोट कर लें, 6 महीने के इंस्टॉलमेंट के ऊपर यह मोटरसाइकिल आपको किस्तों के ऊपर मिल जाएगी बिल्कुल सूद के बगैर। अगर आप 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं किस्तों के ऊपर, 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, 2 साल या 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको सूद के साथ मिलेगी, ठीक है। तो ये आप चीज नोट कर लें। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो मोटरसाइकिल आप किस्तों के ऊपर ले सकते हैं बैंक अलफलाज से, इसका नाम है जी CD70। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसकी टोटल कीमत है 1,06,500 रुपया, इसकी महाना किस्त बनेगी जी 4,875 रुपया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जी CG125 है, अगर आप ये मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं इसकी टोटल कीमत 1,68,500 रुपया है और इसकी महाना किस्त बनेगी 7,714 रुपये। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर RP17CC है, अगर आप ये लेना चाहती हैं तो इसकी टोटल कीमत 72,000 रुपया और इसकी किस्त बनेगी जी 3,396 रुपये। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो मोटरसाइकिल है जिसका नाम है RP125CC, इसकी टोटल कीमत है 1,12,000 रुपये और ये आपको महाना किस्त पड़ेगी इसकी 5,127 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, 6 महीने के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको बिल्कुल सूद के बगैर ये मोटरसाइकिल मिलेगी। अगर आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये मोटरसाइकिल लेंगे तो फिर आपको सूद के साथ मार्कअप के साथ ये मोटरसाइकिल मिलेगी। तो जो भी बैंक अलफलाक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको डिटेल बता देता हूँ जी ये मोटरसाइकिल किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपको मिलेगी और कैसे आपको मिलेगी। दोस्तों जब आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो 28 दिन का टाइम होगा, 28 दिन के अंदर अंदर ये मोटरसाइकिल आप तक डिलीवर हो जाएगी, आपके हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी होगी। अब आप कहेंगे कि 28 दिन तो बहुत ज़्यादा है, तो रुकिए अभी थोड़ी सी डिटेल रहती है जो आपके लिए जानना लाजमी और ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा होता है जब आप होंडा की मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करेंगे बैंक अलफलाह में जाके, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। इसके बाद बैंक अलफलाह जो है ये अटलस होंडा के साथ राबता करता है क्योंकि इनका एग्रीमेंट है आपस में। तो जो होंडा अटलस है वो अपने कंज्यूमर को यानी वो अपने डीलर को एक खत लिखेगा जो डीलर आपकी तहसील के अंदर होगा, जो आपके करीब तरीन होगा, ठीक है। तो उस डीलर के पास सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर ये मोटरसाइकिल जो है पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जैसे वो डीलर के पास ये मोटरसाइकिल आपकी पहुंचेगी, इसके बाद आपको 8287 से आपको मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, 8287 से आपको मैसेज रिसीव होगा। उस मैसेज के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल फलां जगह पे जाके हासिल कर सकते हैं। डीलर का नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा SMS में, डीलर का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल जो है डीलर की आपके SMS में आ जाएगी जो आपको 8287 से SMS रिसीव होगा। तो आपने इस डीलर के साथ रابطہ करना है और आपने शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाना होगा जब आपने डीलर के पास जाना है मोटरसाइकिल लेने के लिए, ठीक है। तो डीलर आपका शनाख्ती कार्ड देखेगा, इसके बाद मोटरसाइकिल जो है आपके हवाले कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे दोस्तों आप मोटरसाइकिल रिसीव कर लेंगे, इसके बाद रिसीविंग का जो हतमी मैसेज है वो आपको रिसीव हो जाएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट रिसीव कर ली है, ठीक है। तो ये इनका एक तरीका कार होता है बाइक देने का, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर मोटरसाइकिल जो है डिलीवर हो जाती है डीलर तक और उसके बाद आप इजीली जब चाहें मोटरसाइकिल ले सकते हैं 28 दिन के अंदर अंदर, 28 दिन का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद दूसरे एक और चीज़ आप नोट कर लें, आपने 2.5% तक जो है आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी जो कि बहुत कम बनती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप लेटेस्ट इनकी कीमतें देखना चाहते हैं तो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बैंक अलफलाह की जानिब से शाया की गई है। जितने भी बैंक अलफलाह से जिन्होंने क्रेडिट कार्ड हासिल किया हुआ है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, आप उसको ओपन करके तमाम दर तफ़सीलात उर्दू के अंदर भी पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, बहुत से दोस्त बार बार पूछ रहे हैं जी पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक कौन सा है जो कि मोटरसाइकिल हमें महाना किस्तों के ऊपर फ्राहम करता है। तो मेरे ख्याल से बैंक अलफला से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने मोटरसाइकिल ले ली है पाकिस्तान के अंदर किस्तों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप भी किस्तों के ऊपर मोटरसाइकिल लेना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से बैंक अलफला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बैंक अलफला में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अलफला के किसी भी ब्रांच में आपने जाना है, आपने उनको बताना है जी मैं मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, वो आपको फार्म देंगे, आप अपने फार्म को पुर करके ज़रूरी कागजात के साथ जमा करवा देना है। इसके बाद दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में जो है बैंक अलफला जो है जो मैंने आपको बता दिया तरीकाकार उसके तहत मोटरसाइकिल आप तक पहुँचा देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक से न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।